हे गाइस, तो स्वागत है आपको फिर से हमारे चैनल एके टेक में। और आज के इस वीडियो में हम अपने माई एलेवन सर्कल की टीम प्रेडिक्शन करने वाले हैं आने वाले मैच की, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, बस एंड तक वीडियो की देखना है। और जैसे भी हम अपनी टीम को बनाएंगे और जो जो प्लेयर हम चूज़ करेंगे, यहाँ पर आपको सारे प्लेयर की क्या किस्ती हम चूज़ करें और सारे चीज़ हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको भी टीम मतलब सिलेक्ट करने में बहुत खुशी हो, ठीक है। तो चलिए दोस्त, हम अपना टीम प्रेडिक्शन शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। और इसमें फ़ायदा आपको ये है कि आने वाले मैचेस की जब भी टीम प्रेडिक्शन हम करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने माई इलेवन सर्कल एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो हमें होम पेज में ये देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अपकमिंग मैच की जो है यहाँ पर हैदराबाद वर्सेस आलएसजी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधे कुछ नहीं, इस लिंक के ऊपर प्रेस करेंगे और इसके अंदर घुस जाएंगे, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर अंदर घुसते ही सबसे पहले हमें ये दिखाया जाएगा कि आप कौन सा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर है मेगा कॉन्टेस्ट है, डी लाइट कॉन्टेस्ट है, हॉट कॉन्टेस्ट है, स्टेडियम टिकट है, ये बहुत सारे कॉन्टेस्ट है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आपको कोई भी कॉन्टेस्ट सजेस्ट नहीं करूँगा, जो आपको पसंद होगा, जो आपका मर्जी होगा, वो कॉन्टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए हम सीधे इस कॉन्टेस्ट को स्किप करके हम सीधे चलते हैं क्रिएट योर टीम पे, ठीक है। क्रिएट योर टीम पे हम प्रेस करेंगे तो हम अपने टीम बनाने के ऑप्शन पर चले जाएंगे, ठीक है दोस्त। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हम सीधे 11 प्लेयर को यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास 11 प्लेयर में से एक विकेट कीपर सिलेक्ट करना होता है, और हमें कुछ बैट्समैन, कुछ ऑलराउंडर और कुछ बॉलर भी सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बैट्समैन, बॉलर और जो भी ऑलराउंडर चूज़ करेंगे, वो फील्ड के ऊपर कौन सा स्टेडियम में मैच है, कौन सा प्लेयर कौन सा स्टेडियम के लिए सही है, यहाँ पर बॉलिंग पिच है या बैटिंग पिच है, वो सारे चीज़ हम देखेंगे, फिर उस हिसाब से हम अपना प्लेयर चूज़ करेंगे, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर हम अपने विकेट कीपर चूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 3-2 विकेट कीपर जो है एक्टिव है, देखो क्विंटम डीकॉक है जो खेल रहे हैं, ठीक है, केएल राहुल है जो खेल रहे हैं, और निकोलस पुरन है जो खेल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्विंटम डीकॉक ही अभी विकेट कीपर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर विकेट कीपर क्विंटम डीकॉक को ही चूज़ करेंगे, ठीक है। और दूसरा चीज़ है जो यहाँ पर बैट्समैन, तो बैट्समैन में हम यहाँ पर चूज़ करेंगे, सबसे पहला बैट्समैन जो होगा वो होगा इवन लुइस, ठीक है। इवन लुइस को सिलेक्ट करने में ये फ़ायदा है हमारे पास कि वो मतलब एक यंगस्टर है और बहुत अच्छी खेल रहे हैं। कुछ मैचेस में भी आपने देखा होगा वो उनकी परफॉर्मेंस और उनकी जो पुराना इकोनॉमी है, अगर उनकी मौजूदा परफॉर्मेंस के हिसाब से इकोनॉमी देखा जाए तो बहुत अच्छा है। तो इसमें हम यंगस्टर इवन लुइस को हम टोटली यहाँ पर स्किप नहीं करेंगे, हम इन्हें सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और दूसरा जो यहाँ पर हम बैट्समैन चूज़ करेंगे वो होंगे केन विल्सन, ठीक है। तो केन विल्सन को विलियमसन को हम सिलेक्ट करने में हमें ये फ़ायदा है, वो एक बड़े कैप्टन है, प्रेशर है, बट उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छा है। और दूसरा चीज़ ये है, वो एक कॉन्फिडेंशियल प्लेयर है और बहुत सेंशियल प्लेयर है, ठीक है। जैसे कि वो कौन सा भी हालत में रहे मैच को निकालने की क्षमता रखते हैं, और उसी के दौरान हमारा पॉइंट वो बहुत हमें देखे जाते हैं, ठीक है, जो पॉइंट की हमें ज़रूरत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो तीसरा बैट्समैन चूज़ करेंगे वो यहाँ पर वधोनी को चूज़ करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर वधोनी को चूज़ करेंगे, आयुष वधोनी को। फिलहाल नए प्लेयर हैं, अंडर 19 से आए हैं, बट बहुत अच्छे खेल रहे हैं ये। आप अगर उनकी परफॉर्मेंस देखोगी तो मौजूदा परफॉर्मेंस में आपको बहुत मस्त दिखने को मिलेगा, ठीक है। और इनकी पुराने जो मैच खेले हैं वो अंडर 19 में भी खेले हैं, उनकी इकोनॉमी देखो तो बहुत मस्त है। भले नए प्लेयर है बट बड़े बड़े हिट लगाने की उनके पास क्षमता है, ठीक है दोस्त। तो चलिए हम फिलहाल अभी यहाँ पर दूसरा कोई बैट्समैन चूज़ नहीं करेंगे, हम सीधे जाएँगे यहाँ पर अपने ऑलराउंडर पर। और एक चीज़ है, आप यहाँ पर केन विलियमसन को यहाँ पर स्किप कर सकते हो, यहाँ पर आपको सेम टू सेम और एक चीज़ मिल रहा है यहाँ पर। जैसे केन विलियमसन को अगर आप स्किप करोगे तो एडन मार्करम को लेना है, बट मार्करम आएंगे थोड़े लेट में, इसलिए हमें क्या है, केन विलियमसन भी हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। तो चलिए ऑलराउंडर में चलते हैं यहाँ पर हम। तो ऑलराउंडर में जाएंगे, हमें सबसे पहले मिल रहा है दीपक हुडा, ठीक है। उसके बाद में वाशिंगटन सुंदरम, फिर कुणाल पांड्या, फिर रोमारियो स्टुपर, ठीक है, अब्दुल समाद है, अभिषेक शर्मा है, जैसन होल्डर है। तो जैसन होल्डर अभी तक रिटर्न नहीं आए हैं, खेल नहीं रहे, बट यहाँ पर हम सबसे पहले जो प्लेयर चूज़ करेंगे वो होंगे हमारा दीपक हुडा, ठीक है, दीपक हुडा। और जो दूसरा प्लेयर हमारे
देखो दीपक हुडा को लेने में ये फ़ायदा है, वो अच्छे बॉलिंग फॉर्म में भी है और बैटिंग लाइन में भी अच्छे है, ठीक है। और वाशिंगटन सुंदरम को भी हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। वो भी एक मस्त अभी मस्त खेल रहे, इनकी कोई जवाब नहीं, जहाँ पर भी आते हैं बहुत अच्छा करके जाते हैं, तो इनको भी स्किप मत करो। और फिलहाल हम अब्दुल समद को नहीं लेंगे, मौजूदा उनकी थोड़ा परफॉर्मेंस थोड़ा मतलब कम दिख रहा है, बट उनका पुराना इकोनॉमी बहुत अच्छा था, बट हम इनको मौजूदा परफॉर्मेंस के हिसाब से हम अब इनको थोड़ा स्किप कर रहे हैं, और हम यहाँ ले रहे हैं रोमारियो को, ठीक है। तो रोमारियो को हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है दोस्त। तो ये रहा हमारा तीन ऑलराउंडर, हमें और एक ऑलराउंडर में से हम ले सकते हैं, बट यहाँ पर मेरे हिसाब से हम ऑलराउंडर से हम यहाँ पर बैट्समैन से चूज़ करेंगे, यहाँ पर हम मार्करम को चूज करेंगे, ठीक है। हाइडन मार्करम, तो मैंने ये कहा था आपको कि अगर ऑलराउंडर में हमें बराबर प्लेयर ना मिले तो हम यहाँ पर बैट्समैन से एक प्लेयर लेंगे। तो चलिए हम अभी तीन बॉलर के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर तीन बॉलर में से हमको देखिए टी नटराजन है, आवेश खान है, रवि बिश्नोई है और डी चमीरा है। तो सबसे प्लेयर पहला प्लेयर जो लेंगे वो हम लेंगे यहाँ पर रवि बिश्नोई को, ठीक है। दूसरा प्लेयर होंगे हमारा यहाँ पर आवेश खान। तो आवेश खान और रवि बिश्नोई का तो मैं आपको इनकी जो मौजूदा परफॉर्मेंस तो आप जानते ही है, और उनकी इकोनॉमी पुराना इकोनॉमी भी बहुत मस्त है। देखो आवेश खान को अगर डेथ ओवर में उतना खास वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उनको पीट देते हैं बैट्समैन लोग, बट वो पहले बहुत अच्छे कर लेते हैं। और रवि बिश्नोई एक ऐसा प्लेयर है जो पहले अगर कुछ ना भी मिले तो डेथ ओवर में वो बहुत कुछ कर जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम नटराजन को यहाँ पर हम स्किप करेंगे, बट यहाँ पर हम चमीरा को लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर चमीरा को लेंगे। चमीरा को लेने में हमारे ये फ़ायदा है, अब वो एक यंगस्टर है और अभी फ़िलहाल बॉल की जो इनकी परफॉर्मेंस है, जो फॉर्म है वो बहुत मस्त है, और वो मतलब आप इन्हें लेने में मेरे हिसाब से नटराजन से हम इनको पिक करेंगे तो बेटर है हमारा, ठीक है। तो चलिए बस अब ना हम यहाँ पर अपना 11 प्लेयर कंप्लीट कर लिए हैं, अब हमारा जो सबसे बड़ा डिसीजन वो हमें नेक्स्ट करके लेना है, ठीक है। तो बच्चे तो स्किप मत करिए इस पॉइंट को। यहाँ पर हमें क्या होता है, हमें एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन चूज़ करना होता है। तो यहाँ पर कैप्टन पे हमें डबल पॉइंट मिलता है और वाइस कैप्टन से हमें मतलब डेढ़ गुना पॉइंट मिलता है। तो हम यहाँ पर कैप्टन चूज़ करेंगे, यहाँ पर जो कैप्टन होंगे वो हमारा होंगे यहाँ पर दीपक हुडा, और जो वाइस कैप्टन होंगे हमारा वो होंगे इवन लुइस। तो आप बोल सकते हो इसमें ये क्या राजनीति हुआ, ठीक है। ये एक राजनीति है भैया। यहाँ पर देखो दीपक हुडा आपको कहीं से ना कहीं से कुछ देखे जाएंगे, और पॉइंट भी उनकी जो पॉइंट है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। और इवन लुइस को लेने में ये फ़ायदा है कि वो ओपनिंग में आएंगे और आपको अच्छा खासा पहले ही मैच की पहले ही अच्छे खासे पॉइंट्स देके चले जाएंगे, क्योंकि इन दोनों को स्किप करोगी तो आपको क्या है ना, आपको रिस्क लेना हो रहा है, ठीक है, कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्ट करने में। अगर इन दोनों में से किसी को भी आप चूज़ कर रहे हो तो आपको रिस्क नहीं, मतलब बेनिफिट ही बेनिफिट है, कोई से ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ये लोग देके ही जाएंगे, ठीक है दोस्त। तो बस ये हमारा टीम है और हम इस टीम को अभी सेव करते हैं, ठीक है। तो सेव करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के लिए बोला जाएगा। तो मैं पहले आपको बताया जो कॉन्टेस्ट आपको आपका मतलब जिसमें भी इंटरेस्ट है, आप जो भी आपको पसंद है वो कॉन्टेस्ट आप ज्वाइन कीजिए। चलिए मैं आपको टीम प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा आज की मौजूदा टीम, ठीक है। विकेट कीपर, वाइस कैप्टन प्रेमा अक्रम, विलियमसन, आयुष बदोनी, वाशिंगटन सुंदर, रोमारियो, दीपक हुडा, आवेश खान और रवि बिश्नोई और डी चमीरा, ठीक है। तो ये हमारा टीम है आज का दोस्त। तो बस इस टीम से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होने वाला है, और अब किसको कितना फ़ायदा होता है, क्या क्या होता है, तो प्लीज़ कमेंट में आके बताइएगा, हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है। और मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हमारे तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, और इजाज़त दीजिए। थैंक यू।